अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं हम लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। बनाना बहुत आसान है, ऑलरेडी रेडीमेड उसके अंदर फूड कलरिंग भी है और फ्लेवर भी ऐड है, तो इसे बनाना बहुत आसान है। आज मैं सिंपल आपके साथ जो है रंगीन सब्जियाँ बनाना आपको सिखाऊँगा। दूध के साथ, दूध और जो है सोयाँ डालेंगे हम उसके अंदर। तो मैं आज आपको कलरफुल जो है रेनबो जो है सवैयाँ वो बनाना सिखाऊंगा, रंगीन सवैयाँ भी इसे कह लें आप। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं, सिंपल सी रेसिपी है। रंगीन सवैयाँ बनाने के लिए दोस्तों मैंने 50 ग्राम के करीब ये जो है रंगीन सवैयाँ ली है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बनती हैं। तो इजीली अवेलेबल है मार्केट से, आप नेशनल की भी ले सकते हैं और कॉल्सन की भी ले सकते हैं। कॉल्सन मैंने कॉल्सन के लिए, मैंने कॉल्सन की क्वालिटी अच्छी लगती है। और दोस्तों इसमें फ्लेवर ऐड है और कलरिंग ऐड है, तो हमें एसिड इसके साथ कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा इसके अंदर दोस्तों 300 मिली लीटर मैंने जो है टेट्रा पैक का दूध लिया है। मैंने डेयरी प्योर यूज़ मैं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्पल यूज़ कर लें, उमंग डेयरी उमंग यूज़ कर लें, या हलीब यूज़ कर लें, या जो भी आपको पसंद है नेस्ले मिल्क पैक का यूज़ कर लें। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा 3 टीस्पून के भी मैंने ली शुगर। दोस्तों मैं चीनी हमेशा कम डालता हूँ, दूध जब पकता है तो चीनी जो है उसका मिक्स होकर ज़्यादा हो जाती है, इससे हमेशा कम डालें क्योंकि चीनी और नमक एक ऐसी चीज़ होती है जो एडजस्टेबल होती है। चलें दोस्तों ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, चलें दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों रंगीन सब्जियाँ बनाने के लिए मैंने एक ऊपर पैन रख लिया, बर्तन कुछ सा भी रख लें जो आपके पास मौजूद है। मैंने मीडियम हीट कर ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर 300 मिलीलीटर दूध शामिल करेंगे, उसके बाद 3 टेबलस्पून जो है 50 ग्राम के करीब रंगीन सवैयाँ, साथ ही चीनी शामिल कर देंगे। और दोस्तों मीडियम हीट के अंदर हमने इसे जो है सवैयाँ गलने तक, और जो है दूध हमारा जो है थिक थोड़ा सा हो जाएगा इसके अंदर ही, क्योंकि ये मैदा होता है आपको पता है, मैदा जो है दूध के साथ मिलकर अपना भी एक स्टार्च छोड़ता है। इसे आपने हिलाते रहना है पास खड़े होके, जैसे ही ये बॉईल आता है और सोयाँ हमारी पकती हैं तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ साथ साथ में। जस्ट उबाल आने के बाद 5 से 10 मिनट हमने इसे पकाना है। लेंगे दोस्तों हम जो रंगीन सवैयाँ बना रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल गल चुकी हैं और गाढ़ा भी हो चुका है, अब बस ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है। ये देखिए दूध भी गाढ़ा हो चुका है, मैंने तकरीबन से 10 मिनट के लिए पकाया है मीडियम आंच के ऊपर और ये तैयार है। ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएंगी। चलें दोस्तों इसे मैं सर्विंग बोल में निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार सिंपल आसान तरीन जो है रंगीन सवैयाँ तैयार हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके ऊपर ऑप्शंस हैं, आप चीनी अपने हिसाब से कम कर ज़्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर बादाम पिस्ते डाल सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही देखने में बहुत खूबसूरत है। कलरिंग की वजह से इसकी गार्निश करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना इसमें कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मोटे मोटे पीस में नारियल काट कर रखा हुआ, ये ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर के जलाफिस, टेक केयर।